हेलो गाइस, वेलकम टू तरुण खुराना ब्लॉग्स। एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आप देख सकते हैं कि मैं आ चुका हूँ अप्रोच हेल्थ केयर क्लिनिक, और ये है हमारी गुड़गांव सेक्टर 23 वाली ब्रांच। तो जैसे मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में भी बताया था कि वो वाला जो नया अपना आउटलेट था पश्चिम विहार वाला, वो तो आपने देख लिया। अब हम आए हैं गुड़गांव के आउटलेट में, और आज हम मिलेंगे डॉक्टर लक्ष्य से। तो उनसे भी मुलाकात होगी, और देखते हैं कि क्या आज हम करते हैं यहाँ पे आके, क्या चीज़ होने वाली, क्या प्रोसीजर होने वाला है, क्या थेरेपी होने वाली है। तो आई एम ऑल एक्साइटेड। पूरा ब्लॉग एंड तक देखिएगा, एंड आई होप जितने भी स्किन केयर लवर्स हैं, जिनको भी अपनी स्किन का ध्यान रखना है या अपनी बॉडी से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो वो ये ब्लॉग पूरा देखेंगे। तो यस, लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, नाउ आई विल इंट्रोड्यूस यू टू डॉक्टर लक्ष्य महाजन। तो वो आज आपको बताएंगे इस क्लिनिक के बारे में, क्या क्या सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं। और आई थिंक ये मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि जितने भी हम लोग हैं, मतलब जितनी भी जनरेशन है, मतलब हर एक टाइप की, तो उनको क्या अपनी स्किन पे कैसा ध्यान रखना चाहिए, और कितना ज़रूरी होता है अपनी स्किन केयर करना। और आई थिंक डर्मेट्स के पास आके अपनी स्किन को और बेटर करवाना, कितने लोग होते हैं सिर्फ घर पर रहते हैं, वो अपनी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, स्पेशली मेल्स। तो आज उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि उनका क्या कहना है। ओके, हाय डॉक्टर। हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड। सो यस, मैं वही पूछना चाह रहा था आज आपसे कि क्यों इम्पॉर्टेंट है स्किन केयर, या स्किन का ट्रीटमेंट जो होता है क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। एक्चुअली तरुण, मैं आपको ये बताऊँगा, क्योंकि बीइंग बॉयज हम ना कभी मतलब फेस वॉश भी ढंग से यूज़ नहीं करते हैं। सो दिस इज़ नॉट समथिंग वी शुड डू टू आवर स्किन, ठीक है ना? तो आई वुड से कि हमें अपना थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बॉयज़ को टैनिंग, एक्ने और बियर्ड प्रॉब्लम्स, डैंड्रफ, ये सारी नॉर्मली सबको होती हैं। बट वी से कि यार ठीक है, चल रहा है, चलने दो। बट धीरे धीरे ना वो डैंड्रफ सेबोरिक डर्मेटाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है, एक्ने जो है वो एक्ने स्कार्स में कन्वर्ट हो जाता है, और आफ्टर आर 30 एंड 35 ऐसा लगता है कि हमारी एज जो है कुछ ज़्यादा ही 45 पहुंच की है। सो इवेंचुअली इन रीजनरेटिव मेडिसिन वी एम टू अचीव एंटी एजिंग एंड दिस एक्ने ट्रीटमेंट एंड एवरीथिंग इन अर्ली स्टेज, सो वी शुड स्टार्ट अर्ली। ओके, तो मैं पूछना चाहूँगा कि आपके क्लिनिक में व्हाट मेजर सर्विसेज, मतलब आप क्या ऐसा प्रोवाइड करते हो, मतलब जो लोगों को आके ऐड करवाना चाहिए। ओके, सो सर्विसेज बहुत वाइड है। ओके, बिकॉज वी एम टू प्रोवाइड ईच एंड एवरी ग्रुप, यंगस्टर्स, मिडल एज एंड ओल्ड एज। सो ओल्ड एज से अगर मैं यंगस्टर्स से शुरू करूँ, तो वो हम रीजनरेटिव करते हैं, मतलब क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यू सी। सो जब मिडल एज होती है तो एक्ने एंड सिवियर इश्यूज आते हैं, स्किन से रिलेटेड कुछ इन्फेक्शंस होते हैं, सो उनको हम क्योर करते हैं, ठीक है। एंड लाइक इन लो ओल्ड एज वी गो फॉर दिस एंटी एजिंग, बिकॉज हमें कोशिश करनी होती है ना कि वी ऑलवेज लुक यंग, सो वी प्रोवाइड पीपल दैट। ओके, नाइस टॉकिंग टू यू, थैंक यू सो मच। ओके, सो डॉक्टर आज हम क्या ट्रीटमेंट करने वाले हैं? So we will be giving you a PRP. Okay. Because I can see your skin is quite healthy, and we will just give you a one PRP session that will eventually reduce your fine lines and tanning and some acne if you have, or any other issues. So it will eventually regenerate your skin. Okay. And give you 5 years younger skin. So, yeah, all right. For now.
ओके तो आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे, मुझे थोड़ी एक्साइटमेंट हो गई क्योंकि मैंने स्पिन ट्रीटमेंट्स कभी ऐसे लिए नहीं, तो ये मेरा फर्स्ट पीआर की सेशन होने वाला है। आई एम थोड़ा सा नर्वस कि क्या वो जब हम फेस पे इंजेक्ट करते हैं तो क्या वो पेन करता है? नो नो, वी हैव अ नमिंग क्रीम, ओके, सॉफ्ट क्रीम वी अप्लाई एंड उससे बिल्कुल ही आपको पता नहीं चलेगा वी आर इंजेक्टेड, सो इट्स लाइक पेनलेस, तो मतलब मुझे फील नहीं होगा। तो क्या आप मेरे को स्टेप बताओगे कि कैसे क्या होता है पीआरपी का? सो पी आर पी के स्टेप्स ऐसे होते हैं, फर्स्ट वील ड्रेन सम 8 to 10 ml ऑफ योर ब्लड फ्रॉम योर आर्म एंड देन वील जस्ट रोटेट इट इन सेंट्रीफ्यूज, वील सेपरेट द प्लाज्मा फ्रॉम योर ब्लड एंड देन वील पुट दैट प्लाज्मा इन डिफरेंट स्मॉल इंजेक्शंस, वील इंजेक्ट सम एंड वील डू माइक्रो नीडलिंग सम विद सम, सो इट विल गिव यू अ बेटर टेक्सचर एंड सम शाइनी स्किन एंड रीजनरेशन। सो गाइस, जो अभी ये प्रोसीजर होने वाला है ये पीआरपी नहीं है, ये हमारा कार्बन फेशियल है, तो उसका प्रोसीजर अभी स्टार्ट। सो गाइस, अभी मुंह पे कार्बन लगा दिया है और उसके बाद अब ये वाली लेजर से ये कार्बन हटेगा तो वो आप लोग खुद देखोगे। तो यस, ये कुछ नया होने वाला है यहाँ पे, तो आई एम जस्ट रियली एंजॉयिंग दिस स्किन पैम्परिंग एंड स्किन ट्रीटमेंट्स। सो वी हैव ऑलरेडी पुट द कार्बन पैक, सो इट हैज ड्राइड अप एंड नाउ वी आर गोना फायर द लेजर। Starting the procedure. Are you comfortable? Okay. सो गाइज, अभी हो चुका है हमारा कार्बन फेशियल एंड इट इज़ अमेजिंग फॉर दोस्त की जिनको टैनिंग हटवानी है या टैनिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स है या पिगमेंटेशन, तो ये उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है, आप ये भी करवा सकते हैं। तो आई रियली फील गुड और इसके रिजल्ट उनका 2 दिन बाद विजिबल होते हैं और अच्छे से, तो यू विल फील अ लिटिल लाइटर शेड। राइट, सो वी आर अप्लाइंग दिस नमिंग क्रीम फॉर यू ताकि यू विल नॉट फील एनी पेन, कोई पेन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सो ये प्रोसीजर विल बी पेनलेस। ओके, यू विल फील कंफर्टेबल। हाँ वही, क्योंकि जब मेरे को पीआरपी के बारे में पता चला था स्टार्टिंग में कि फेस पे नीडल्स जाते हैं, तो मेरे को एकदम से था कि नहीं, मेरे से नहीं होगा। यस, बट दिस इज द फर्स्ट स्टेप। या सो नहीं होगा कुछ, जस्ट गिव मी फीडबैक एज़ वेल, बिकॉज़ दिस इज आवर न्यू ट्यूब। ओके, सो ये आपका खुद का प्रोडक्ट है? यस, वी आर मैन्युफैक्चरिंग दिस एंड क्योंकि ना एक्चुअली बाकी मार्केट में जो है ना उनकी इतनी एफिकेसी नहीं है। ओके, एंड दे आर नॉट अ गुड डूअर, बहुत पेशेंट को प्रॉब्लम होती है। ओके, सो वी फाइनलाइज टू मेक इट आवर ओन। तो गाइस, ये इन्होंने बटर पेपर लगाया ताकि ये क्रीम इवेपोरेट ना हो जाए और वो अच्छे से स्किन के अंदर मर्ज हो जाए, तो ये सिर्फ बटर पेपर है ताकि वो अच्छे से डिसॉल्व हो जाए।
सो अभी क्या करने वाले हम डॉक्टर? ब्लड ड्रेन कर रहे हैं। दिस इज समथिंग एवरीवन इज अफ्रेड ऑफ। आई नो। गाइस ये हमारा ब्लड रोटेट हो रहा है, मतलब मेरा ब्लड रोटेट हो रहा है और इसके अंदर से रिच प्लाज्मा अलग किया जाएगा। हाँ जी, तो मैं अब इंजेक्ट करूँगा, ठीक है? ओके। यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है? थोड़ी सी तो नहीं हो रही होगी, मतलब बहुत हो रही है, ज़्यादा हो रही है, मतलब थोड़ी पिंचिंग पिंचिंग नहीं। हाँ फील हो रहा है। हाँ बहुत ज़्यादा, फर्स्ट टाइम है ना। विल इम्प्रूव योर टेक्सचर, जो पोर्स है ना, पोर रिडक्शन सबको चाहिए, वो ये देते हैं। Just soothing your skin, okay? Nothing on it? Thunda cool. Keep it. Okay, comfortable? Yeah. Okay, I'll leave you here for 10-15 minutes, then I'll see you, alright? Alright. So guys, प्रोसीजर हो चुका है, थोड़ी सी अभी रेडनेस और बम्पीनेस रहेगी चेहरे पे, बट आई एम फीलिंग वेरी नाइस। और उन्होंने बोला कि भाई अगर आप ये चीज़ कराते ना तो इट्स वेरी गुड फॉर स्किन मेंटेनेंस, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हल्का सा बस पिंच फील होता है जब आपकी वो निडल जाती है, अदरवाइज अब पता बिल्कुल भी नहीं चल रहा उसके तुरंत बाद। तो इनकी जो नंबिंग क्रीम थी वो रियली हेल्पफुल, मतलब उन्होंने लगाई तो बिल्कुल ऐसे, मतलब सिर्फ नाम का पता चल रहा था, वरना जब इंजेक्शन लगता है हाथ पे तो कितनी दर्द होती है, तो वो तो चेहरे पे लग रहा था तो मुझे नहीं पता चला है सच। तो इट वॉज नाइस, सब चलते हैं डॉक्टर के पास। सो दिस इज़ अ स्मॉल क्यूट गिफ्ट फ्रॉम डॉक्टर, थैंक यू सो मच एंड आई रियली लाइक द प्रोसीजर, बट आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड रिजल्ट एज यू प्रॉमिस्ड, आपने बोला ही है। तो इट वॉज नाइस मीटिंग यू वंस अगेन, तो ऑल द बेस्ट, see you soon, bye bye.